वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, कार इंट्रो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे कि वैगनार में कौन कौन से मॉडल आते हैं और उसके अंदर किस मॉडल में सीएनजी है, किस मॉडल में कितने लीटर का इंजन है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक्स पर बात करें। फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर 5 मॉडल आते हैं। 5 मॉडल के ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। LXi ऑप्शनल, VXi ऑप्शनल और ZXi। फ्रेंड्स, हम 1 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन में, वो हमें मिलता है LXi ऑप्शनल और VXi ऑप्शनल के अंदर। और जो हमें CNG कंपनी फिटेड मिलती है वो हमें LXi और LXi ऑप्शनल के अंदर ही मिलती है, VXi और VXi ऑप्शनल में नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कौन कौन से मॉडल्स में मिलती है। तो जो हमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है वो हमें VXi ऑप्शनल और ZXi में मिलता है। और ऐसे ही हमें VXi ऑप्शनल और ZXi में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। बात करते हैं इंजन की पावर और टॉर्क की। जो 1 लीटर पेट्रोल इंजन है वो हमें 3 सिलेंडर में मिलता है और उसकी जो BHP है वो 68 है और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 90 Nm की करता है। और यही अगर हम CNG की बात करें तो हमें 1 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है पेट्रोल प्लस CNG, उसकी जो BHP है वो 59 होती है और जो टॉर्क है वो 78 Nm प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो CNG करके ड्रॉप हो जाती है। बात करते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की। वो हमें 4 सिलेंडर में मिलता है और जो उसकी BHP प्रोड्यूस करता है वो इंजन, वो 83 BHP प्रोड्यूस करता है और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 113 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।